हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी जिंदगी में। और आज की वीडियो होने वाली है भाई, मतलब मोस्ट डिमांडेड थी कमेंट सेक्शन में ना। लास्ट वीडियोस में यही था कि जैसे क्रेटा से कंपैरिजन करा था, वैसे किया सेल्टोस के साथ भी कंपैरिजन करो वरना का। तो इस वीडियो में ना हम वरना और किया सेल्टोस का कंपैरिजन करने वाले हैं, पहले एक्सटीरियर फिर बाद में इंटीरियर, और उसके बाद जो ओनर है वो वरना चलाएंगे और मैं किया सेल्टोस चलाऊंगा। और मैं सबसे बड़ा डिफरेंस आपको शुरू में ही बता देता हूं कि भाई ये है पेट्रोल, आईवीटी है मतलब टर्बो वाली नहीं है, और ये है डीजल। इसलिए हम ड्रैग रेस तो करेंगे नहीं भाई, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप ये ना बोलना कि ड्रैग रेस करो, तो इसका कुछ वो मतलब भी नहीं है। ऊपर से अगर ऑटोमेटिक है, अगर मैनुअल होती तो फिर भी ड्रैग रेस हम सोच सकते थे, बट वही है ऑटोमेटिक है इसलिए हम ड्रैग रेस नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब सामने से। तो ऑब्वियसली बात है ये सेडान है, और भाई ये है मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी, कह लो एसयूवी कह लो, इंडिया में एसयूवी ही कहते हैं वैसे हम, इसलिए एसयूवी ही बोलेंगे। तो सेडान की आपको पता है ग्राउंड क्लियरेंस इसकी भाई 165 mm है, और किया सेल्टोस की ग्राउंड क्लियरेंस है 190। बट जो बैठ के जो इसमें फील आती है ना भाई किया सेल्टोस में, कि आपको सामने का बोनेट दिख जाएगा, जैसे हम अंदर बैठते हैं तो सामने का आपको बोनेट वगैरह दिख जाता है, और सेडान में वही है कि भाई बोनेट वगैरह कुछ नहीं दिखता। तो इसमें भी सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन है कि भाई सेडान का अलग स्वाद है, इसका अलग स्वाद है। अब मैं बात करूं तो सेडान में यही आपको एडवांटेज मिल जाता है कि इसमें बॉडी रोल नहीं मिलेगा आपको, एसयूवीज में बॉडी रोल वगैरह मिल जाते हैं। अब हम बाहर से बात करें तो हेडलाइट्स वगैरह इसमें ना 3 में डिवाइडेड है, जो एलईडी आती है, और बिल्कुल सेम ही है इसमें, बस इसमें 4 में डिवाइडेड है। बस इसके इंडिकेटर मुझे बहुत ही मतलब पर्सनली मेरे यही फेवरेट है इंडिकेटर, और इसकी जो DRLs हैं वो भी बहुत अमेजिंग लगती है, और जो इसकी DRL आ जाती है वरना की वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है वैसे, बट वो ये इंडिकेटर में ये आगे निकल जाती है। और फॉग लाइट्स में भी किया सेल्टोस आगे निकल जाती है लुक वाइज, तो भाई इसकी आइस क्यूब फॉग लाइट्स वगैरह कुछ कहते हैं इसे, और इसमें तो वही जो बल्ब्स वगैरह आते हैं मतलब हेलोजन है इसमें वाइट आ जाती है। और अब आगे का तो डिफरेंस देखो हो ही गया है, जो मेन चीज़ थी हेडलाइट्स वगैरह। अब पीछे से बात करें ना भाई, ऑब्वियसली बात है सेगमेंट अलग है तो लुक्स वगैरह भी डिफर करेंगी। पीछे से पर्सनली मुझे तो सेडान की मतलब वरना की लुक अच्छी लगती है, बट जो इसमें मुझे बढ़िया चीज़ लगती है ना, एक तो स्पेशल एडिशन वेरियंट है, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, जो इसके ऑरेंज टेंजरीन जिसे कहते हैं, ये बहुत ही मतलब चमकते हुए दिखते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और ऊपर से ड्यूअल टोन भी है, तो ड्यूअल टोन का अलग ही नज़ारा होता है। एंड एक और डिफरेंस भाई, इसमें ना ये साइड नेट्स मिल जाते हैं हमें, और इसमें नहीं मिलते हैं हमें, जो कि क्रेटा वाला हिसाब है, जैसे आपको पीछे भाई की आवाज़ आ गई होगी, बट वरना में ये बैक नेट हमें मिल जाते हैं, और इसमें ये वाला नेट नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं इंटीरियर की। जो इंटीरियर में मेन डिफरेंस है ना, ये स्पेशल एडिशन है इसलिए इसके ब्लैक इंटीरियर है। मेन बात मैं आपको बताता हूँ, ये HTX वेरिएंट के उस पर बेस है, और इसकी प्राइसिंग भाई ऑन रोड 17 लाख पड़ी थी, और वो वरना ना टॉप मॉडल है SX ऑप्शनल, पर उसकी प्राइसिंग ऑन रोड हमें पड़ी थी 15,90,000 तक, मतलब अप्रोक्स वही आ जाती है। ये भी मैं आपको अप्रोक्स ही बता रहा हूँ भाई, एग्जैक्ट तो आपको पता है मिसलेनियस चार्जेस वगैरह होते ही हैं। तो अब बात करते हैं भाई, जैसे मैंने आपको चार्जेस बता दें, जो इसमें मिसिंग मुझे लगता है पहली चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगती है कि भाई इसमें जो कूल ग्लव बॉक्स आता है ना वो इसमें नहीं है, मतलब जो क्रेटा के बेस मॉडल्स में भी आते हैं वो इसमें नहीं दिया किया ने पता नहीं क्या सोच समझ के। और इधर वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, और भाई इधर जो सीट वेंटिलेशन होती हैं वो नहीं मिलती है, बट जो स्क्रीन वगैरह इसकी, अब वही बात है कि वरना की स्क्रीन 8 इंच की है और ये 10 इंच की स्क्रीन है, स्क्रीन इसकी मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है। और इधर से मतलब कि जो इंटीरियर का वो है ना प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर लगता है। स्टेयरिंग भी इसका बहुत ही प्यारा सा लगता है, नीचे फ्लैट आ जाता है वरना में फ्लैट स्टेयरिंग नहीं होता। इधर से भी सेम है, इधर बस ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है वरना में मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें वो बात नहीं है। और जो मेन भाई लगता है ना कि जो इसका ये है मतलब कि स्पीडोमीटर कॉकपिट आप कह सकते हो, जो HTX प्लस है ना उसमें बीच में बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन है, ये HTX है जैसे मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा वही मिसिंग रहता है। वैसे एक बार मैं आपको एक खोल मतलब कि इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ, इसमें TPS वगैरह सब कुछ होता है। एंड भाई आज के शाउट आउट के विनर हैं गगन कुमार एंड आमिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, इन फ्यूचर भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। एंड भाइयों आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड कमेंट्स करना मत भूला करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए होती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दूंगा। TPS वही है जब हम ड्राइव करेंगे तब होएगा, तो इसे अभी हम बंद करते थे। और मेन बात तो भाई इसमें एयर प्योरीफायर आ जाता है, ये वरना में नहीं है, तो डिफरेंसेस मैंने आपको बताई दिए हैं। और इधर से एयर प्योरीफायर, यहाँ से स्मार्ट प्योरीफायर जो होता है वो मतलब हम ऑपरेट कर सकते हैं, जो भाई ने ऑफ कर रखा है, मतलब इसका यूज इतना नहीं लगता ना, ये जो परफ्यूम होता है गाड़ी का वो, वो क्लियर कर देता है, तो जो परफ्यूम रखा है उसका रखने का कोई फायदा नहीं है। ओ भाई अच्छा अच्छा, ये तो मुझे अब पता चला। और इसमें एक और चीज है भाई जो वरना में आपको नहीं मिलती, वो है ये साउंड मोड। भाई रात को मतलब कैसी लगती है लाइट्स, ये साउंड मोड मतलब मूड वगैरह बनता है इससे? यहाँ पे जो है यहाँ पे ये खुद ही चलती है, अभी गाड़ी चलाएगा तो भी चल जाएंगे खुद। मतलब यार ऑब्वियसली बात है, अब दिन में तो हम ये सब करेंगे नहीं क्योंकि कुछ फायदा नहीं है,
और बस मेन डिफरेंस तो ये है, मतलब मैंने आपको किया सेल्टोस में बैठ के ही बता दिया जो मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वरना तो आपने बहुत ही वीडियो से मेरी देख ही ली है। तो फिलहाल हम इसे बंद करते हैं और भाई जो मेजर डिफरेंसेस थे मैं एक बार आपको फिर से गिनवा देता हूँ कि भाई इसमें मतलब प्राइस के मुताबिक हम कंपेयर करें, क्योंकि ये एसएक्स ऑप्शनल मतलब कि एक नीचे आता है जो एसएक्स आ जाता है जब भी मैं एचटीएक्स बता रहा हूँ। इसमें बस वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जर, एक कूल ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाते हैं और ब्लू लिंक वगैरह इसमें भी है, सनरूफ वगैरह भी सेम ही है यार किया वगैरह की। और जो मतलब जो फेवरेट चीज़ है मेरी इसमें वही है डिजिटल स्पीडोमीटर वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो अब ना एक्सटीरियर इंटीरियर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, कंपेयर मैंने कर दिया है, तो अब बात करते हैं भाई कि कार चलाने में कैसी लगती है। तो सबसे पहले ना जो किया सेल्टोस के ओनर है वो वरना चलाएंगे और ये मैनुअल है तो उनको पता भी मतलब कि एक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक से जब ओनर मैनुअल चलाते हैं तो कैसा लगता है। तो फिलहाल हम मिलते हैं वरना में। तो भाई अब हम आ गए वरना में और उधर से आए हैं, थोड़ी बहुत तो भाई ने चला ही ली है। तो भाई मेन डिफरेंस जैसे ऑटोमेटिक से अब मैनुअल में आए हो तो क्या लग रहा है, और वो भी डीजल का? इसका जैसे डीजल इंजन की बहुत ज्यादा आवाज है मेरे को, मेरी गाड़ी में नहीं आती उतनी और इतनी आदत भी नहीं है आवाज की। बाकी ये है कि सारा कंट्रोल मेरे पास है गाड़ी का, मैं जब मेन डिफरेंस तो और जो डीजल की टॉर्क दिख रही है मतलब कि भागने का फर्क दिख रहा है डीजल और पेट्रोल का? बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि जो नॉर्मल मेरी गाड़ी है उसको टाइम लगता है पिकअप लेने में क्योंकि वो पेट्रोल है। अच्छा अच्छा, तो हम ना इधर से वैसे मोड़ लेते हैं क्योंकि आगे खराब रोड है। एंड गाइस एक और डिफरेंस जो आ जाता है ना इसमें, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आ जाता है स्टीयरिंग, उसमें सिंपल ही आता है, टिल्ट ही आता है उसमें, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। तो फिलहाल अभी ना एक बार भाई थोड़ी और खींचो, देखो कि क्या मतलब ऑब्वियस बात है डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा। आगे भाई खड्डा भी है इधर, ये हर वीडियो में तंग करता है हमें खड्डा, इधर ब्रेक भी मार लेना और ब्रेकिंग में दूसरी रोड पे भी चल लेते हैं और ब्रेकिंग में अभी तक कुछ डिफरेंस लग रहा है नहीं, ब्रेकिंग में सेम ही लग रहा है ना? हाँ मतलब एबीएस ही है, डिस्क नहीं है ना इसमें चारों, किया में उसमें चारों। हाँ एक और डिफरेंस जैसे अब आपको पता चल गया होगा कि भाई उसकी ब्रेकिंग ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि उसमें चारों डिस्क हैं, इसमें भाई आगे फ्रंट डिस्क है, पर इसमें वो ही है इसमें जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ज्यादा है, एबीएस तो उसमें भी है पर ट्रैक्शन कंट्रोल, ईएसएस जो भी इतनी टेक्नोलॉजीज वगैरह आती है वो सब है जो हमें ना मतलब ऐसे चलाने में ऐसा इतना यूज उनका पता नहीं चलता जैसे अभी हम चला रहे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का तो आपने पता ही होगा आपको यूज, जैसे आपने ड्रैग रेस वगैरह में देखते हो ट्रैक्शन कंट्रोल, तो जब भी हमें मेजर डिफरेंस पता चलता है। और भाई जो एक और जो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि वो आईवीटी पेट्रोल है और ये डीजल है, तो इसकी ना एवरेज भी थोड़ी ज्यादा लिखी आती है, ये भी आपने देखा होगा मतलब आपकी में ज्यादातर इधर क्या लिखी आती है जो इंस्टेंट एवरेज आती है? इंस्टेंट एवरेज जो मेरी होती है मतलब अगर मैं भगा रहा हूँ और मतलब मैं नॉर्मल मतलब अगर रैश ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी एवरेज 12-11 ऐसे आती है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है यार फिर भी 12-11 तो मतलब अगर टर्बो होती ना वही मतलब जीटीएक्स ऑटोमेटिक उसमें और कम जाती है, उसमें डीसीटी आ जाता है ना, इसमें आईवीटी है। तो फिलहाल हम अब मिलते हैं आपको किया सेल्टोस में। तो भाई अब हम आ चुके हैं किया सेल्टोस में और जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि भाई ये ऊंची कार तो अब इसका हमें बोनेट वगैरह दिख रहा है और ये पेट्रोल है ऑटोमेटिक, अभी हम खींच के देखते हैं इसे। बड़ी लेट गियर शिफ्ट चेंज हुआ भाई इसमें, तो शायद से मैंने वो एकदम पेडल दबा दिया था इसलिए इतना गियर लैग आया, मतलब ज्यादा देर बाद चेंज हुआ है 5-6 RPM में, है ना? अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक की यही प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक की सारी दिक्कत यही है, जैसे अभी भी ना RPM 5 से ऊपर चल गई थी मतलब 6 के बीच में आ गई थी, 5-6 के बीच में आ गई थी, तो फिर इसने जैसे ऑब्वियसली बात है आवाज भी चेंज हुई कार की थोड़ी। ऑटोमेटिक कार्स में ना जो मेन डिफरेंस यही आता है, अभी हम डी पे चलाएंगे जैसे मैंने एकदम पेडल दबा दिया, ये देखो एकदम मैंने पंजा ना पूरा दबा दिया, तो 5-6 के बाद इसने अब देखो वो अपनी मतलब कि गियर चेंज करा है। और वेयर एज अगर मैं पंजा मतलब अब नेक्स्ट रोड पे आपको दिखाऊंगा एक्सलरेशन बिल्कुल ही आराम से दबाऊंगा ना तो ये उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अब मैं जैसे धीरे धीरे मतलब कि मैंने ज्यादा प्रेस नहीं कर रखा एक्सलरेशन, तो हाँ फिर अब मतलब कि इंजन अपने आप मतलब समझ जाता है कि भाई ये ज्यादा खींच नहीं रहा है तो मैंने गियर चेंज करना है। अभी हम इस रोड पे चलते हैं, अब आप देखना जैसे ना मैंने एक्सलरेशन बिल्कुल ही आराम से कर रहा हूँ, आराम आराम से जाएगी देखना 12 RPM, तो के बाद अब गियर चेंज हो जाएगा, 2 से तो ऊपर ही हो रहा है मतलब भाई इसका गियर चेंज। हाँ अब थोड़ा और ये देखो अब चेंज हुआ है, ये तो है भाई ऑटोमेटिक में ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि गियर जब ये चाहेगी ना तभी होएगा, बट जैसे भाई ने बताया आप ऐसे भी कर सकते हो, बट यार अब ऑटोमेटिक बंदा ले रहा है वो क्यों ही प्रेफर करेगा ये कि भाई क्यों ही मैं अपने हाथों को कष्ट दूं। तो फिलहाल ना अब मैं आपको इस व्यू से दिखाता हूँ जब मैं इसे खींचूंगा तो RPM इसकी कहां तक जाएगी। भाई कैमरा क्वालिटी इसमें और उसमें फर्क तो है थोड़ा बहुत, मतलब जो लग रहा है इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि HDR ज्यादा कर रखा है। अब देखना कि जैसे अब मैं एक्सेलरेशन है एकदम पूरी दबाऊंगा तो कहां तक जाएगी इसकी RPM,
हाँ ये देखो रोनाल्डो उधर गिर चुका है, ये देखो आवाज तो इतनी ज्यादा, ये देखो 6 से भी ऊपर तक गई है। फिलहाल धीरे कर लेते हैं भाई मतलब नो डाउट भाई भाग तो बहुत रही है, बट वही है डीजल वाला जर्क नहीं फील होता, बट ये है कि ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल है तो लैग करेगी। जैसे आपने देखा ही कि आरपीएम कहाँ तक जा रही है, 6 से 7 तक भी जा रही है, हाँ वो ऊपर जाती है। और मतलब यार वो ये टॉर्क कन्वर्टर है तो उसका अलग ही मजा आता है, और इंजन जो रिफाइन है भाई, मतलब ना जब मैंने कार स्टार्ट करी थी ना ये नहीं पता चला था कि कार स्टार्ट हो चुकी है, मतलब इंजन की आवाज बिल्कुल ही नहीं है। तो भाई अब इस वीडियो को ना हम कंक्लूड करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कमेंट सेक्शन खुले हैं हमेशा की तरह, आप अपना ओपिनियन दे, अगर आपके पास 16 से 17 लाख रुपए हैं तो आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे। अब ये देखो कि सबकी ना अपनी अपनी नीड्स के ऊपर आ जाती है, नीड्स तो सबकी अब डिफर करेंगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जो क्रेटा और वरना की थी, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख लेना, बट भाई ये डिमांड थी तो मैंने ना एक बार कवर कर दी, और जो मेजर डिफरेंसेस जो मुझे लगे हैं भाई, पर वही बात है मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, ये HTX एनिवर्सरी एडिशन है और ये SX ऑप्शनल आ जाता है। अगर हम इसका भी HTX प्लस लेंगे ना तो इससे बल्कि एक दो फीचर मुझे लगता है ज्यादा ही ना आ जाए उसमें, तो वो वीडियो हम कभी और बनाएंगे। बट जो इसमें जो मुझे मेजर जो मिसिंग चीज लगी ना वो बस यही था कि एक तो कूल ग्लव बॉक्स का था और वायरलेस चार्जिंग नहीं थी, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, और तो वैसे देखा जाए जो इसमें मिसिंग थी मेन की भाई डिस्क ब्रेक्स नहीं थी, जो देखा जाए कि इसमें पीछे भी आ जाती है, तो ये छोटी मोटी चीजों का ही है। नहीं तो ओवरऑल देखा जाए तो यार फीचर्स वगैरह लगभग सेम ही आ जाते हैं, छोटे मोटे फीचर्स हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताई दिए, आपको समझ भी आ चुके होंगे। तो भाई तेरे को क्या लगता है, अब तू इधर देख बीच में कॉमन बंदा है, कि तुझे क्या लगता है इनमें मेन डिफरेंस क्या लगता है तेरे को, अगर तू एज अ व्यूअर देख रहा है तो मेजर डिफरेंस क्या लगेगा तेरे को? वही है यार, सेगमेंट अलग है बस। हाँ सेगमेंट अलग है ना, कि जिसकी प्रेफरेंस है SUV वगैरह की वो तो फिर सेल्टोस या क्रेटा पे जाएगा, और ये भाई सेडान में तो मुझे इस टाइम पे यही लगती है, वरना ही इस रेंज में सिटी की तो मार्केट सबको पता है कितनी डाउन हो रखी है अभी। तो मेजर डिफरेंस तेरे को यही लग रहा है कि बस सेगमेंट के फर्जे से, मतलब अगर तू होए तेरे पे होए पैसे इतने, मैं SUV तो भाई अगर आपसे पूछ रहे फाइनल वर्डिक्ट जिसे कहें कि भाई आपको मेजर डिफरेंसेस क्या लगते हैं इस प्राइस रेंज में दोनों कार के बीच? बस यही है कि ये Hyundai का जो तुमने ये जो ली है, हाँ वरना, हाँ ये टॉप मॉडल है, हाँ हाँ पर इतने में तुम्हें टॉप मिल गया, मुझे और पैसा, हाँ वो ही बात है। हाँ देखो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसका जो टॉप आ जाता है ना, GTX की बात करें तो वो तो अलग ही आ जाता है, वो टर्बो वगैरह का, HTX प्लस आ जाता है उसमें, वो ये 1-2 लाख। और एक और डिफरेंस जो मैं बताना भूल गया भाई, इसमें ना 16 इंची के टायर आते हैं और इसमें 17 इंची टायर आते हैं। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने कुछ जो डिफरेंसेस वगैरह रह गए बता देना, और अपने पर्सनल ओपिनियंस बता देना आप कौन सी कार प्रेफर करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को करना है आपको लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।